हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस शीट है हमारी 7 अरहीनियस इक्वेशन में। इस इक्वेशन के अंदर हमने फॉर्मूला यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला है हमारे पास के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के यहाँ पे हमारा रेट कॉन्स्टेंट है, ए यहाँ पे हमारा अरहीनियस कांस्टेंट है, इसे अरहीनियस फैक्टर भी बोल देते हैं। ई ए हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है बेटा केल्विन में। इस इक्वेशन की एक और फॉर्म है लॉग की फॉर्म में, अगर मैं दोनों साइड पे लॉग ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। जो नेचुरल लॉग है वो होता है 2.303 इंटू के, सॉरी लॉग के लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहां से मेरे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है जो बनता है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में वही यूज होगा, लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जहां से हमारा चैप्टर जो है वो काम करेगा, यानी कि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, पूरी प्रैक्टिस शीट सॉल्व होगी। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अभी हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, और उन दोनों टेम्परेचर्स के लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूं। देखो, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, वहां पे रेट कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फिर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, वहां पे रेट कांस्टेंट है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो मुझे यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, मतलब ई ए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले टेम्परेचर को हम करेंगे केल्विन में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 303 केल्विन और ये हो जाएगा 313 केल्विन। फॉर्मूला है हमारे पास लॉग के टू बाय के वन ई ए बाय 2.303 आर 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू। वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो लॉग 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड में आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है 2.303 इंटू 8.314। पहला जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 303 था और दूसरा जो टेम्परेचर है वो 313 था। यहां पे देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, डेसिमल से भी डेसिमल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग आ जाएगा 21/12 ई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 19.15 अप्रोक्सीमेट। यहां पे 303 और 313 मल्टीप्लाई में ऊपर एलसीएम था तो 313 माइनस 303, तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। ये भी हमारे 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे देखो, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा लॉग 7/4 ई ए बाय 19.15, यहां आ जाएगा 10/303 इंटू 313। तो देखो लॉग 7/4 है, लॉग में दो नंबर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा लॉग 7 माइनस लॉग 4, यहां पे आ जाएगा ई ए बाय 19.15 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 94839।
तो देखो यहां से ईए कितना आ गया, 19.15 डिवाइड में था मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय 94839 डिवाइडेड बाय 10, लॉग 7 होता है 0.8450, लॉग 4 होता है 0.6020। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 44132.8 जूल पर वोल्ट। तो ये हमारे पास है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।